हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितने भी मेरे वैक्सीनेटर और सहायक मेरे मित्र हैं, आप सबके लिए वीडियो बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। अगर यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में देखिएगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप वैक्सीनेटर में हैं, सहायक में हैं, और बड़ी उम्मीद से आपने ये फॉर्म को अप्लाई किया है और आप हो भी चुके हैं। तो काफ़ी लोग अभी कमेंट और ईमेल कर रहे थे कि सर मुझे बताइए कि इसमें भविष्य कैसा रहेगा, इसमें मतलब मेरा क्या प्रोग्रेस रहेगा, मैं आगे जाऊंगा या फिर यहीं तक रह जाऊंगा। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास अगर टाइम नहीं है अभी, तो इस वीडियो को रोक दीजिएगा और बाद में जाकर देख लीजिएगा, लेकिन बड़े इत्मीनान से देखिएगा। देखिए, बड़ी उम्मीद से आप जो है इस फील्ड में आए हैं, और ये फील्ड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में आप सोच रहे होंगे कि हम सरकारी हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्त, ये अभी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है, और जो प्रति टीका के हिसाब से आपको मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। और भविष्य में ये हो भी सकता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मनरेगा वाली जॉब जो होता है, पहले उसमें 400-500 रुपये थे, अभी आप सुनेंगे तो 5,000-7,000 रुपये हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक उम्मीद लगाई जा सकती है, इसमें एक आशा जग सकती है कि हाँ आपको मिल सकता है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये होगा ही होगा, लेकिन एक संभावना है कि ये हो सकता है। दूसरी बात, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर अभी हमारे यहाँ तो काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों, लॉकडाउन कुछ जगहों पर ख़त्म हो चुका है और कुछ जगहों पर चल रहा है। तो भगवान मतलब अगर दे देता है साथ, तो यार सच में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और सब प्रकृति के हाथ में है। और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा, और कुछ जगहों पे तो टीका लग भी रहे हैं। जैसा कि मुझे ईमेल आते हैं और कमेंट आते हैं, तो लखनऊ से पता नहीं कहाँ कहाँ जगह से आते हैं, कुछ जगह काम चल रहा है, आपका भी काम चलेगा। लेकिन कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब तक ये बीमारी चल रही है ना, ये कोरोना बीमारी, तब तक सबको दिक्कत है, क्या कीजिएगा, यही जीवन है। अरे पहले इंसान जिंदा रहेगा, उसके बाद वो काम करेगा ना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो जितने भी मेरे वैक्सीनेटर और सहायक मेरे मित्र हैं, तो देखिए घबराना, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ, भले ही आपको बकवास लगे लेकिन ये रियल है। घबराने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, इसको लेके आप सीरियस हैं, अच्छी बात है। इसके साथ साथ और भी आप काम कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप बस इसी में लगे रहेंगे दिन भर रात भर। अरे ये तो एक दो दिन का काम है, फिर उसके बाद से अपना जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो करते रहिए ना, कौन रोकता है आपको, कोई नहीं रोकेगा। और जब आपकी परमानेंट होने की संभावना होगी, जब इसमें परमानेंट होंगे तो इसमें पैसे भी बढ़ जाएंगे, तो फिर इसमें आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये टीका कैसे लगाएं, मतलब सुई कैसे लगता है, इस पे वीडियो बना के दीजिए। तो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वैसे भी समझ ना आए ना, तो आप जहां पे आपकी नियुक्ति हुई है वहां से जाइए, उन डॉक्टर लोग होंगे जो वो अधिकारी लोग होंगे उनसे सीख लीजिए। ट्रेनिंग ज़रूरी है, बगैर ट्रेनिंग का कोई काम नहीं किया जाता है, चाहे आप सहायक लेवल पे हैं, चाहे आप वैक्सीनेटर लेवल पे हैं, ट्रेनिंग ज़रूरी है। पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा, जैसे आपने दिया होगा अकाउंट नंबर, पासबुक तो आपने दिया ही होगा, पैसा आपके खाते में ही आएगा। आप आधार आपने लगवा रखा है, उसमें जुड़वा रखा है, तो वो आपको मोबाइल नंबर आपने जुड़वा रखा है, तो आपको मैसेज द्वारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि आपका पैसा कब आएगा। समझ चुके हैं। अगर और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करेंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। और हर एक को अलग अलग कमेंट देना, यार ये बहुत ज़्यादा कमेंट आता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको एक वीडियो ही दे दूँ, और जिसमें कि हर किसी का क्वेश्चन उठा करके और आपको बता दूँ। और एक बात और रह गई है कि आपका नाम लेकर, जैसे कि आप कमेंट करते हैं, तो उसमें मैं आपका नाम लेकर अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर किसी का नाम लेकर के और हर किसी का सवाल को मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा, और किसी का ना छूटे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम
मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आप सबका सवाल का मैं जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वंटी निशान दबा दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, अगर समझ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।